क्या कहने लगी? हो उन राज कवारों ते हो एक किरसन कहिए बात मेरी। और कहते ना क्या हे मेरे लेखे पाचो मर गए ना जीने की आस मेरी। जादू दिखा रहे हैं आदरणीय हमारे बीर सिंह सरपंच जी, जो मेरे मौसा जी भी लगते हैं, वो 100 रुपए का पुरस्कार देते हैं। तहे दिल से बार बार धन्यवाद करती हूँ। आइए किस प्रकार से ये कह दिया कि उन पांचों राजकुमारों ते कृष्ण का ये बात मेरी, अरे मेरे लेखे पांचों मर गए ना जीने की चाहत मेरी। अगर मेरे बेटों को लड़ाई और झगड़े से डर लगता है तो वो ये सोच ले आज उनकी माँ कुंती उनके लिए मर गई है। किस प्रकार से पहली कली के अंदर न्यू कहने लगी कन्हैया, अरे मैंने सोचा क्या था और मेरे साथ में आज हो क्या रहा है, पहली कली में क्या कैसे शान देखना चाहती ना। और माँ भारत की रागनी पर हमारे अजीज मित्र भाई सोनू बेनीवाल जवा 100 रुपए, 100 रुपए का मान सम्मान और भाई ने नाम ने बताया है। बहुत अच्छी रागनी आपके बीच में मैडम पेश कर रही हैं भाई। और जो साथी बार बार कहा जा रहा है, कमेटी वालों से आज अनुरोध है कि जो सामने खड़े हैं भाई अपना अपना बैठने का स्थान ले आओ मैडम।
स्लो करा के आप सभी के बीच में शब्दों को रख रही हूँ, क्योंकि शब्द समझ में आने चाहिए। दूसरी कली के जरा महारानी कुंती ने कह दिया कि मुझे नहीं पता था कि मेरे बेटे इतने नालायक निकलेंगे। अरे अगर मुझे पता होता तो मैं अपने हाथों से अपने बच्चों को जब ही पैदा होते ही मार देती। दूसरी कली में क्या कहने लगी कि सुन कन्हैया, वो तो ने गड़वाती मैं करती मैं जानू, अरे कौन जाने रे, मैं जानू अरे कौन जाने, जो दर्द आज मेरी छाती उन बेटों से ये कह दिया कि कन्हैया उन बेटों से तो मैं पांच अच्छी थी, कह दिया क्या उन बेटों से किरसन जग में पांच भली रह जाती मैं, इन बेटों से किरसन जग में पांच भली रह जाती मैं। अगर युद्ध की ताकत नहीं है तो मेरे सामने कभी भी नजर मत आना। तीसरी कली में क्या कहने लगी, झगड़ा करना चाहता है तो
दुर्योधन से वापस ले सके। अंतिम कली में काले कैसे धारण धर्म करे बैठा।